बिठाते हैं बहुत ही सॉफ्ट चावल का आटा, डो बन गया है देखिए, इसका रोटी पीठा बहुत ही अच्छा लगता है, तो दिखाते हैं। आज बनाएंगे पीठा, तो देखिए पीठा के लिए चावल तैयार कर लिए हैं और इधर चोखा भी तैयार कर लिए हैं, तो आज बनाएंगे पीठा और सारे चीज़ को तैयार करके और पानी चढ़ा दिए हैं इधर। इस पे देखिए चलनी वाला थाली पानी के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर पीठा रखेंगे। देखिए ऐसे बेल लेते हैं और बेल के इसमें आलू का भरावन करेंगे और इसको फर्रा पीठा कहता है लोग। देखिए पीठा इतना बन करके तैयार हो गया है। अब इसको फिर दिखाते हैं एक कि इसमें इसमें मेहनत नहीं है, इसलिए आप लोग भी ऐसे घर में बना सकते हैं। देखिए इधर गरम हो गया है, गरम हो गया है, इसमें सारे पीठा को डाल देंगे। देखिए पीठा को ऐसे डालेंगे और इसी में सारा पीठा उबल जाएगा भाप से। सारे पीठा ऐसे ही उबलेंगे। पीठा बनकर के तैयार हो गया है। देखिए पीठा एकदम पूरी तरह उबल गया है और तैयार हो गया है। देखिए अब इसको निकाल करके दिखाते हैं। करके तैयार हो गए हैं, कोई कोई पीठा टूट गए हैं, ज़्यादा सॉफ्ट रहता है इससे टूट गए हैं। तो देखिए सारे पीठा बन करके बहुत ही टेस्टी तैयार हो गए हैं।